हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट ऑफ क्लास थर्ड। सो इफ यू आर वॉचिंग माय वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू केयरफुली। सो लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। सो वी वर स्टडाइंग अबाउट एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड ऑल्सो वी हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। In this exercise, we will subtracting 4-digit number with borrowing. यानी बच्चों हम यहाँ पर बोरो करके 4-digit number को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ दिखाऊंगा आपको। यहाँ देखेंगे ध्यानपूर्वक। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग सम्स। निम्नलिखित प्रश्नों को सोल्व कीजिए, निम्नलिखित सम्स को सोल्व कीजिए। जैसे अब यहाँ बच्चों 5962 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2734 को। यहाँ 2 है, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 2 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से बोरो ले लेंगे यानी कैरी ले लेंगे। तो यहाँ से हम इधर कैरी किया तो ये हो गया 12। कितना हो गया 12। तो अब ये 2 ना होकर के क्या है 12 है। तो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये 12 हो गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 5, यहाँ 5 बचा। तो 12 में से 4 गए, कितने बचे 12 माइनस 4 होते हैं हमारे 8। ऐसे बच्चों यहाँ पर बचा 5 में से 3 गए, कितने बचे तो 5 माइनस 3 होते हैं हमारे 2। यहाँ पर क्या है 9 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। और यहाँ 5 है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे 3। बच्चों हमारा आंसर है 3228। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर बी आता है। अब यहाँ 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। यहाँ क्या है बच्चों 5 में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ से हमें कैरी करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ का 5, तो यहाँ से हमने बोरो लिया तो यहाँ 15 हो गया। और यहाँ क्या बचा 7, तो हम 15 में 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9। 15 माइनस 6 होते हैं 9, यहाँ बचा 7, तो 7 माइनस 7 0। यहाँ 6 है ऑलरेडी, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। उसके बाद है सी। अब क्वेश्चन नंबर सी है, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आता है 3 माइनस 0 होते हैं 3। एंड 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 8 में से 8 गए 0, ठीक है। जो आपके पास 8 रुपीज़ थे और आपने उसमें से 8 के 8 खर्च कर दिए तो आपके पास क्या बचा 0 बचा, कुछ नहीं बचा 0 बचा। तो 8 माइनस 8 होते हैं 0। ऐसे ही अब यहाँ 5 है, तो 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कैरी करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों 7 है, यहाँ से हमने देखो एक बोरो ले लिया तो यहाँ हो गया 15। और यहाँ क्या बचा 6, 15 में से 8 को माइनस करेंगे आप बचेंगे 7। और यहाँ 6 है, 6 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पर क्या बचा 6 माइनस 2 होते हैं 4। तो आंसर आया 4703। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, हमें 7800 को 3600 हमें 7800 में से 3654 को माइनस करना है। तो यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 है, तो हम 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कैरी लेंगे तो यहाँ 0 है, तो हम ये करेंगे हम यहाँ से कैरी लेंगे। जब हमने यहाँ से बच्चों कैरी लिया तो यहाँ 10 हुआ, ठीक है, यहाँ 7 हुआ। अब यहाँ 10 है, अब 10 में से इधर कह रही है तो यहाँ 10 है और यहाँ क्या 9, यहाँ 7 है ही, यहाँ बच्चों 10 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9। तो हमने इधर कह लिया तो 10 हो गया, 10 में से इधर कह ले लिया तो यहाँ 9 बच के यहाँ 10 हो गया और यहाँ क्या 7, ठीक है। तो इस तरह से हम कैरी
करते हैं, और 10 में से 4 के कितने बचे, 6, 9 में से 5 के कितने बचे, 4, 7 में से 6 कितने बचे, 1, और 7 में से 3 के कितने बचे, 4। हमारा आंसर आया बच्चों 4146। नाउ वी विल डिवाइड 3607 फ्रॉम 4578। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सबट्रैक्ट 7 फ्रॉम इट, सो 8-7 इज इक्वल टू 1, एंड हियर 7, सो वी कैन नॉट सबट्रैक्ट 8 फ्रॉम 7, सो वी विल टेक अ कैरी, सो हियर विल बी 17 एंड हियर इज 4, 17 माइनस 8 कितना होता है, तो जो 17 माइनस 8 होता है हमारा 9, क्या होता है 9, एंड हियर 4, सो वी कैन सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम 4, 4 में से 6 सबट्रैक्ट नहीं हो सकता तो कैरी कर लेंगे, 14 हो गया, 14 में से 6 को सबट्रैक्ट करो, 14 माइनस 6 कितना होते हैं, होते हैं 8, और यहाँ बचा 3, 3 में 3 के 0, तो हमारा आंसर आया 891, क्या आंसर आया 891। अब यहाँ बच्चों 2 है, 2 में से 5 सबट्रैक्ट होंगे तो कैरी कर लेंगे, 12 हो गया, 12 में से 5 के कितने बचे, 7, यहाँ 7 है, 7 में से 4 को सबट्रैक्ट कर लो, तो 7 में से 4 सबट्रैक्ट कितने बचे, 3, यहाँ 0 में 7 नहीं जाएगा तो कैरी कर लेंगे, तो 10 हो गया, और 10 में से 7 गए कितने बचे, 10 माइनस 7 होते हैं बच्चों 3, और यहाँ से 3, 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1, हमारा आंसर आया 1337। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी पर, कि यहाँ बच्चों सब में 0-0 हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, बच्चों सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे यहाँ से, ठीक है, कैरी हम यहाँ से भी नहीं कर सकते, यहाँ से भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से कैरी किया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 10 में से इधर कैरी करो, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से इधर कैरी करो, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, तो कहने का मतलब है यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10, ठीक। अब हम 10 में से 4 को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 10 माइनस 4 कितने होते हैं, 10 माइनस 4 होते हैं बच्चों कितने होते हैं, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 9 होते हैं 0, 9 माइनस 5 कितने होते हैं, 9 माइनस 5 होते हैं 4, और 5 माइनस 3 होते हैं 2, तो हमारा आंसर आ गया 2406, ओके। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर एच है, अब हम 8302 में से 4509 को सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर है 2, 2 में से 9 को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो कैरी करेंगे, यहाँ से करना पड़ेगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 होते हैं 1, 9 में 0 गए 9, यहाँ बचे 2 तो कैरी कर लो, 12 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 12 माइनस 5 होते हैं 7, और यहाँ बचा 7 में से 4 गए कितने बचे, 3, आंसर आया 3791, ये क्लियर हो गया बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर आई, क्वेश्चन नंबर आई को देखेंगे, 9 में 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो बचेंगे 2, यहाँ 5 को कैरी कर लो 15 हो जाएगा, अब 15 में से 6 को माइनस करो, 15 माइनस 6 कितना होते हैं, होते हैं 9, तो यहाँ आएगा 9, यहाँ बचा 1 तो कैरी कर लो, 11 हो गया, 11 माइनस 4 कितने होते हैं 7, तो यहाँ क्या बचा 2, तो 2 में से 2 गए 0, तो हमारा आंसर है बच्चों 792, यानी 792। क्वेश्चन नंबर है जे, तो जी यहाँ 2 है, 2 में 6 सबट्रैक्ट नहीं कर सकते तो कैरी कर लो, 12 हो गया, 12 में 6 कितने बचे, 12 में से 6 गए कितने बचे 6, ठीक है, और अब यहाँ पर बच्चे कितना है,
यहाँ 3 हो गया था तो कैरी कर लो, 13 हो गया, 13 में 7 गए बच्चे 6, यहाँ बच्चे 1 कैरी कर लो, 11 में से 8 गए बच्चे 3, यहाँ बच्चे 4th, 4 माइनस 4 0। सो डियर स्टूडेंट आवर आंसर इज 366। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, शेष 2 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करने हैं, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।